एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेल था। वो दोनों निसंतान थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत यह बात अपने पति जॉन को बताई। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नेल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर बालकनी में ताजी हवा खाने आ गई। अचानक उसकी नजर रैपंजेल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रैपंजेल के पत्ते कितने ताजे ताजे हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी गोथल का है, वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती, तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। पत्नी की जिद के आगे हार के जॉन जादूगरनी गोथल की हवेली में गया और उससे रैपंजेल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहाँ से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहाँ उसने रैपंजेल के कुछ पत्ते चुराए और वहाँ से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी नेल को रैपंजेल के पत्ते लाकर दिए तो वह खुश हो गई। जैसे ही नेल सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहाँ वो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रैपंजेल के पत्तों को देखा तो जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जॉन ने कहा, मैं मजबूर था, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वह रैपंजेल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहां से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जॉन और नेल दोनों काफी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नेल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नेल और जॉन वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिली और वो अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर नेल और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्ची का काफी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम ही रैपंजेल रख दिया। रैपंजेल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे दोगुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रैपंजेल के बाल संवार रही थी, तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रैपंजेल को लेकर मेरी मीनार में चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रैपंजेल और गोथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचे। मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल और रैपंजेल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरु जी आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखरेख अच्छी तरह से करूंगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही गोथल ने रैपंजेल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बातें सुनकर रैपंजेल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी, यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रैपंजेल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज लगाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना, ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रैपंजेल कहती है, ठीक है,
गोथर जल्दी से रैपंजेल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथर के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रैपंजेल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रैपंजेल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नजर मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रैपंजेल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि गोथल वहां आती है और रैपंजेल को आवाज लगाते हुए कहती है अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रैपंजेल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल बालों के सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रैपंजेल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रैपंजेल रैपंजेल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रैपंजेल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रैपंजेल डर जाती है। वो पूछती है तुम कौन हो। इस पर राजकुमार कहता है अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। इस पर रैपंजेल काफी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रैपंजेल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वो कहती है गोथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती। यह सुनकर राजकुमार रैपंजेल से वादा करता है कि वो उसे उसके असली माँ बाप से जरूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गोथल वहाँ आ जाती है और राजकुमार को वहाँ से जाते देख लेती है। वो तुरंत आवाज लगाती है, रैपंजेल रैपंजेल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रैपंजेल अपने बालों को नीचे गिराती है और वो ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रैपंजेल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रैपंजेल के बाल काट देती है, फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रैपंजेल रैपंजेल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रैपंजेल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर वो मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रैपंजेल नहीं गोथल थी। वो उसे देखकर पूछता है रैपंजेल कहाँ है। गोथल कहती है तुम जिस रैपंजेल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने सैनिकों के साथ रैपंजेल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा, तभी उसे रैपंजेल का गाना सुनाई दिया जिसे वह अक्सर गाती थी। वो खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रैपंजेल मिली, वो काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इतने में गोथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रैपंजेल को महल ले गया और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रैपंजेल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे।